धार जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन, संक्रमितों के लिए बेड, वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता की जाए। विधायक ग्रेवाल। प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर जिला कलेक्टर को सौंपा पत्र। सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम द्वारा शुक्रवार को जिला कलेक्टर आलोक कुमार सिंह को देश के प्रधानमंत्री एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर पत्र सौंपकर मध्य प्रदेश एवं आदिवासी बाहुल्य धार जिले में कोरोना महामारी के लड़ने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित ऑक्सीजन, वैक्सीन एवं बेड की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता करवाने की मांग की है। पत्र में बताया गया है कि कोरोना के बिगड़ते हालात बहुत चिंताजनक हैं। वर्तमान में प्रदेश एवं आदिवासी बाहुल्य धार जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। आरटीपीसी की रिपोर्ट भी एक सप्ताह में मिलने से मरीज गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है। प्रदेश में कोरोना महामारी को फैले एक वर्ष से अधिक समय हो गया है, लेकिन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन धार जिले के पीथमपुर में ही निर्मित हो रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि प्रदेश एवं आदिवासी बाहुल्य धार जिले में ही कोरोना संक्रमित मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण प्रदेश एवं धार जिले में संक्रमित मरीजों की मौतों का आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। प्रदेश के कई शासकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होने से मरीजों को परेशानी उठाना पड़ रही है। साथ ही वैक्सीन का लगातार दूसरे देशों में निर्यात होने से देश प्रदेश एवं आदिवासी बाहुल्य धार जिले में नागरिकों को समय पर वैक्सीन नहीं लग रही है। आदिवासी बाहुल्य धार जिले को काफी कम मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो रही है। पत्र के माध्यम से मांग की गई है कि मध्य प्रदेश एवं आदिवासी बाहुल्य धार जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था कर इसका अन्य देशों में निर्यात करने पर रोक लगाई जाए, ताकि प्रदेश एवं धार जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन आसानी से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके, जिससे उनकी जान बच सके। साथ ही ऑक्सीजन, कोरोना वैक्सीन एवं बेड की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता की जाए। अगर 3 दिवस में उपरोक्त समस्त व्यवस्थाएं नहीं की जाती है तो 1 दिन का उपवास किया जाएगा। CID न्यूज नेटवर्क के लिए सरदारपुर से दीपक प्रजापति की रिपोर्ट। देश एवं प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को 1 वर्ष हो गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण के बचाव में जो उपाय किए जा रहे थे वो काफी कम और एक तरह से विफल साबित हो रहे हैं। जिस प्रकार से रेडीमेड इंजेक्शन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की कमी, इस बात को लेकर के देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम आज ज्ञापन प्रस्तुत किया और हमने इसमें मांग की है कि धार जिले के आदिवासी बाहुल्य जिले में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन, बेड की उपलब्धता शीघ्र ही कराई जाए, उपलब्धता कराई जाए, और अगर नहीं की जाती है शासन प्रशासन और सरकार के द्वारा तो हमारे द्वारा इसके विरोध स्वरूप 1 दिन का उपवास रखा जाएगा। यही हमारी बात। कितने दिन बाद? 3 दिन। आपका नाम? प्रताप ग्रेवाल।